द्रोणागिरी के सेक्टर 56 में जिलियन टावर करके कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका मैंने वीडियो डाला था और उसके ऊपर आप काफ़ी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स दिए। और आज मुझे फिर से जिलियन टावर से कॉल आया कि हम एक अपडेटेड वीडियो बनवाना चाहते हैं जिलियन टावर के लिए, क्योंकि पहले का जो वीडियो बनाया था उससे रिस्पॉन्स अच्छा आया, लेकिन उसमें एक ऑफ़र पहले इन्होंने दी थी, वो ऑफ़र अभी बंद हो चुकी थी। दूसरा, कंस्ट्रक्शन का भी आपको अपडेट देना था, जब भी हमने ये वीडियो किया था तभी इसका प्लेंथ लेवल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो भी वीडियो पे से इन्फॉर्मेशन मिली उससे बहुत अच्छा कॉल रेशो भी मिला, काफ़ी विजिट्स भी हुए, प्रॉपर्टी भी काफ़ी सारी बुक हो गई। और आज का नज़ारा ये है दोस्तों कि इसका फर्स्ट स्लैब कम्प्लीट हो चुका है, सेकेंड स्लैब का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब प्रॉपर्टी क्या अवेलेबल है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन जिन लोगों ने पहले ये वीडियो नहीं देखा है जिलियन टावर का, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जिलियन टावर की लिंक मैंने प्रोवाइड की है, उस लिंक पर जाकर उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स देख लीजिए। जिलियन टावर द्रोणागिरी के सेक्टर 56 में बन रहा है, जो एमिनिटीज़ वाला प्रोजेक्ट है, ये जैसे जिम, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, कम्युनिटी हॉल, क्लब हाउस, ये सारे फीचर्स इस प्रोजेक्ट में मिलने वाले, सारी एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या अवेलेबल है, तो इसमें अभी भी लग्जरियस 1BHK, 2BHK अवेलेबल है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मुझे कभी कभी कॉल कर लेते हैं, कुछ लोग मेल भी करते हैं कि हमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर शॉप लेना है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम क्या होता है, शॉप जो होता है वो प्लिंथ लेवल पर ही बिक जाता है, लोगों को चांस ही नहीं मिलता है कि शॉप वो खरीद पाए, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है दोस्तों। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये 15 मीटर का रोड है, और यहाँ पर अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये 22 मीटर का रोड है। अभी का नज़ारा ये है दोस्तों कि ये द्रोणागिरी का सेक्टर 56 है, बीच में खाड़ी है, और उस तरफ द्रोणागिरी का सेक्टर 55 है। दोनों सेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर सामने ब्रिज बनने वाला है जो अभी तक बना नहीं है, तो लोगों को अभी सेक्टर 56 आने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, थोड़े मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से जो शॉर्टकट है वो तो अवेलेबल नहीं, तो थोड़ा घूम घाम के यहाँ पे उरन गाँव है उस तरफ जाके अभी यहाँ पर आना पड़ता है, जो ये मैंने आपको 15 मीटर रोड बताया वहाँ से लोगों को अभी आना पड़ रहा है। लेकिन एक बार ये कनेक्ट हो जाएगा तो सेक्टर 56 भी बहुत अच्छे से डेवलप होने वाला है, हालांकि ये बहुत बड़ा फ्यूचर में जंक्शन होने वाला है, और कॉर्नर पे अभी भी इसमें शॉप्स अवेलेबल है। प्राइजेस भी मैं आपको दे देता हूँ, इसमें जो लग्जरियस 1BHK अभी अवेलेबल है उसमें 35 लाख रुपीज़ का पूरा पैकेज है, जिसमें स्टील पार्किंग भी मिलने वाली है, कोई एडिशनल कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, पूरा पैकेज है दोस्तों, टैक्सेस वगैरह सब कुछ जितने भी चार्जेस होते हैं सारे इसमें इंक्लूडेड है। 2BHK की अगर मैं बात करूँ तो 65 लाख रुपीज़ का 2BHK का पैकेज है, जिसमें स्टील पार्किंग भी इंक्लूडेड है, कोई भी एडिशनल या हिडन चार्जेस नहीं है। शॉप की अगर मैं बात करूँ तो शॉप भी इसमें अवेलेबल है, जिसकी शुरुआत जो है वो 60 लाख रुपीज़ से है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया है, आप ANA रियलिटी जिनका ये प्रोजेक्ट है जिलियन टावर, उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अगर आपको साइट विजिट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी थोड़ा एड्रेस फाइंड आउट करने है, तकलीफ होती है, डिफ़िकल्टीज होती है, तो आप गूगल का जो लिंक है वो सेट करके यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।